आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं प्लास्टिक के पॉट में किस तरीके से प्लांट लगाना चाहिए जो अच्छे से सरवाइव करे, है ना। ये प्लास्टिक के गमले ले लिए हैं हमने, ठीक है, और ये हमारे पौधे रखे हुए हैं। ये तीन पौधे हमें लगाने थे, किसी कस्टमर ने इनको खरीदा है, तो हमने सोचा एक वीडियो भी बना दें और किस तरीके से सेट करना है, कैसे सरवाइव करेंगे अच्छे से, ये आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। पहला नंबर तो इन पे छेद कैसा करना चाहिए वो हम बताते हैं आपको। देखिए इस टाइप से कोई चीज हो, जैसे ये अब कैंची ले ली हमने, कैंची से क्या है छेद हमारा काफी अच्छा साफ सुथरा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से छेद होगा, एकदम साफ सुथरा छेद करना है। ये देखिए हो गया। अब एक इसी के सामने एक और कर देते हैं, ये देखिए देखा आपने, इस तरीके से छेद करना है एकदम साफ सुथरा, ठीक है ना। हल्का छेद करेंगे तो ड्रेनेज नहीं होगा पानी का, और पानी का अगर ड्रेनेज सही नहीं है तो जड़ें गलना चालू हो जाती है ना। इसी तरीके से छेद करना है सभी गमलों में, और वैसे जरूरी नहीं है कि आप यही लें, कैंची ही लें, आप पेचकस गर्म करके उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और जितना साफ सुथरा छेद करेंगे तो ड्रेनेज भी सही रहेगा। देखिए तो छेद हो चुके हमारे गमलों में, ठीक है। अब ये लगा देते हैं गिट्टियां, ये देखिए इस तरीके से टेढ़ी गिट्टी लगनी चाहिए, साथ रहनी चाहिए तो ड्रेनेज अच्छा रहेगा। ये देखिए ये परमानेंट प्लांट होते हैं और इनको हम लगाते भी जा रहे हैं और आपको बताते भी जाएंगे नाम क्या है और चलने में कैसे हैं और क्या क्या डालना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमने ले लिए ये सादा मिट्टी, इसमें कोई ज्यादा लागत वाली चीज हम आपको नहीं बता रहे हैं, और प्लास्टिक के गमले में और इन पौधों में भूल कर भी आप कोकोपीट ना मिलाइए, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में मिट्टी सूखती नहीं है, इसलिए कोकोपीट नहीं मिलानी है बिल्कुल। ये हो गई सादा मिट्टी, और हम ये देखिए एकदम पकी हुई खाद, इसमें इसमें लीफ कंपोस्ट भी मिक्स है इस वाली खाद में, और गोबर की खाद देसी देसी खाद है ये, और लीफ कंपोस्ट है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपको मिलानी है मिट्टी में करीब 35%, देखिए और कुछ नहीं इसमें डालना है अभी फिलहाल, ये देखिए 35% के करीब हो गई है। अब इसको मिक्स कर लेते। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। अब लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम क्रोटन का प्लांट, इसको बेंगलोरी क्रोटन बोलते हैं, इसका कलर चेंज होता है पत्तों का, येलो निकलती है फिर उसके बाद इस टाइप से कलर होता है डबल शेड में, फिर ऐसा रेड टाइप से हो जाता है, ठीक है, तीन कलर चेंज होते हैं। मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं हटानी है, ऐसे ही छोड़ देना है इसको और इस तरीके से रख देना है, ठीक है। ये देखिए जड़ें अपने आप इस मिट्टी को पकड़ कर लेंगी, और ड्रेनेज भी बहुत ही अच्छा रहेगा इसका, क्योंकि खाद की मात्रा सही है, मिट्टी टाइट भी नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए ये तो लग के हो गया तैयार। अब इसमें हम आपको एक चीज और बता दें, इसमें मिली वक्त लग जाता है, तो इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं दवा का, कोई सी भी दवा हो, ठीक है। ये तैयार हो गया, अब लगाते हैं सन ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और बहुत ही कॉमन प्लांट है ये, और कहीं भी मिल जाता है, किसी भी नर्सरी से आप इसको खरीद सकते हैं।
देखिए इसकी जड़ें कितनी अच्छी होती हैं और इससे प्लांट्स भी तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि ये साइड साइड में ये निकल रहे हैं, है ना, इनको निकाल करके आप प्लांट्स भी अपने वहां घर में दूसरे पॉट में निकाल के लगा सकते हैं, तैयार हो जाएगा, है ना, बहुत ही आसानी से लग जाता है। चलिए इसको लगाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखिएगा आप, ये जो पौधे हम लगा रहे हैं ये शेडी एरिया के प्लांट हैं, धूप के नहीं है, ज्यादा तेज धूप नहीं है, घंटे आधे घंटे की अगर धूप आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे शेडी एरिया में ही रखिए इनको। और मिट्टी एकदम जब तक ड्राई ना हो, जब तक पानी ना दीजिए, ज्यादा पानी अगर देंगी तो ग्रोथ नहीं होगी, है ना। देखिए ये भी हमारा लग चुका है। अब ये आ गया हमारा स्पाइडर प्लांट, ये देखिए स्पाइडर प्लांट है, येलो वाला, येलो और ग्रीन, काफी अच्छा प्लांट होता है। और इसको भी लगाते हैं, देखिए इसमें भी हमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हटानी है। और दोस्तों आप इससे भी अपना प्लांट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए छोटे छोटे बेबी निकल रहे हैं, इनको अलग करके आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं और इसमें भी आपकी पौध तैयार हो जाएगी। देखा दोस्तों आपने, हमने किस तरीके से इन प्लांटों को लगाया है और केयर के बारे में भी आपको हमने बताया। मेन चीज तो पानी का ध्यान रखना है आपको, और बहुत ही अच्छे से सरवाइव करने वाले प्लांट हैं ये, और आप अपने घर में लगा सकते हैं इनको, लेकिन शेडी एरिया में रखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की नई नई तरीके की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।